السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبتغوا قولي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل अमरअल्लाफु निसब और वो जो उस चीज को मिलाते हैं जिसके अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसे मिलाया जाए और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं इंसान इस दुनिया में तनहा जिंदगी बसर नहीं कर सकता बाहमी मेल मिलाप उसकी जरूरत है क्योंकि एक दूसरे से मुलाकात से इंसान को सुकून मिलता है एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है लेकिन खुशगवार जिंदगी के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ उसका करीबी ताल्लुक है उनके साथ ताल्लुक भी अच्छे हों इंसान एक माशरे में किस तरह रहे उसके ताल्लुक कैसे खुशगवार हों उसका तर्ज अमल कैसा हो उसका रवैया दीगर इंसानों के साथ कैसा हो इस बारे में हमारा दिन हमें बेहतरीन रहनुमाई देता है और वो ये कि लोग एक दूसरे के खैर खां हों उनका दिल एक दूसरे के खिलाफ हसद बुग्स खाली हो वो दूसरे की कामयाबी पर खुश हो अगर दूसरों से कोई तकलीफ पहुंचे तो दरगुजर का मामला करने वाले हों और इस तरह अल्लाह सुबह ने बुराई को भलाई से दूर करने का भी हुक्म दिया है ताकि बाहमी तालुकात में बहवी पैदा न हो आपने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ इंसान का सबसे पहला इम्तिहान खुद अपने घर के अंदर होता है करीबी रिश्तों के साथ होता है अक्सर ऐसे मामला पेश आते हैं जिनसे इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है लेकिन अल्लाह की नजर में वही अच्छा है जिसबर से काम लेते हुए इन रिश्तों को निभाए और इनसे हसन सलूक करता रहे ऐसे शख्स के लिए अंजाम भी अच्छा है और इनाम भी तो आज की गुफ्तुओं का मौजू है रिश्तेदारों से हुसने सलूक कीजिए और इसके लिए हमने सूरत रात की आयत नंबर इक्कीस को बुनियाद बनाया है इस आयत से पिछली आयत में कुछ यू जिक्र आया है की बेशक नसीहत तो अकलमंद ही पकड़ते हैं इन नमायत कर अलबाब उल उलबाब यानी अकलमंद अकल वाले तो अकल वाले कौन है जिनके अंदर ये सफात पाई जाती हो कई एक सिफात का जिक्र है यहाँ लेकिन आज हम सिर्फ एक सिफत के ऊपर बात करेंगे और वो है रिश्तों को जोड़ने के बारे में ताल्लुक अच्छे रखने के बारे में हकीकत ये के कामयाब इंसान वही है जिसके ताल्लुक अच्छे हों जो लोगों के साथ रहना जानता हो और यहाँ पर बलू नमा अमर अल्लाह बही अयुसल के वो तमाम उमोर जिनको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है उनको मिलाएं मसला अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत, अल्लाह वादों की इबादत उसके रसूल की इताद के लिए सर तस्लीम कम करना सब इसमें दाखिल है और इसी तरह इंसानों के साथ सबसे पहले माँ बाप के साथ अपनी जबान से अपने अमल से अच्छा सलूक कर के लहमी करना और उनकी नाफरमानी न ना करना और फिर उसके बाद करीब रिश्तेदारों के साथ हुसन सलूक करना अपने घर वालों के साथ दोस्तों साथियों गुलामों दीन और दुनिया के हकूक की कामिल अदायगी के जरिए हुसन सलूक से पेश आना ये सब चीजें इसमें दाखिल होती है यहाँ पर जो लफ्स आया है वदी नो वो लोग जो, जो जोड़ते हैं वसल का असल माना है एहसान रहमी के लिए लेकिन इसमें सारे नेकी के काम इताद के काम शामिल हो जाते हैं और हर ताल्लुक वाले के साथ एहसान करना हाँ वो माँ की तरफ से रिश्तेदार हो या बाप की तरफ से रिश्ते हों इन सब के साथ मोहब्बत और एहसान का मामला किया जाए इसी तरह सिर्फ खूनी रिश्तों के साथ ही नहीं बल्कि दीगर रिश्तों में जैसे दोस्त हैं अहबाब हैं कुलीग्स हैं उनके साथ भी हुन सलूक किया जाए और ईमान वाले तो न सिर्फ ये मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं ताल्लुक अच्छे रखते है बल्कि नबी सक तो वाले के साथ भी सलाह रहने का तो हुक्म दिया जैसा की हजरत असवा में आता है और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से डरते हैं। क्यों डरते हैं कि हमसे अपने फरस को अदा करने में कहीं कोई कोताही न हो गई हो और फिर कहीं हमारा बुरा हिसाब न हो यानी शदीद हिसाब ना हो क्यामत के दिन की गोलनाकियों से डरते हैं हिसाब किताब की बारीकियों से डरते हैं और बुरे हिसाब से बुरा फ़र्कत कहते हैं कि मुझसे इब्राहिम ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि बुरा हिसाब किसको कहते हैं बुरा हिसाब वो है जिसमें हर चीज की पूछ गुछ की जाए पूरा ऑडिट हो और पूरा पूरा अहाता किया जाए मामला का, इबादात का और उसमें तनकीद भी की जाए और जिससे ये हिसाब किया गया उसको तो अजाब दिया जायेगा तो यहाँ पर अल्लाह से बारा के लिए खशियत का लफ्स आया है और आखरत के हिसाब के लिए खौफ का लफ्स आया है दोनों में फर्क यह है कि खशियत में ताजीम भी शामिल होती है और बाद कहते हैं कि खशियत से मुराद शदीद तरीन खौफ है कि अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते हैं और इसके बारे में सही मुस्लिम आपने फरमाया कि तुम अल्लाह से इस तरह डरो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो अगर ये मरतबा हासिल न हो तो कम अज कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह तुमको देख रहा है और अहले ईमान जो है वो आखिरत के दिन से खौफ खाते हुए नेक अमाल करते हैं जैसा कि कुरान मजीद में भी आता है रिजाल तुल तिजार तुम वाला बे विक्र वला व इता इस यखाफून वल अबसार वो मर्द जिन्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने और जक़ात देने से न कोई तजारत गाफिल करती है और ना कोई खरीदो फरोख वो उस दिन से डरते है जिसमे दिल और आंखें उलट जाएगी इसी तरह यूफु न बिन नदरी यखाफून का न शर्र मुस्तीरा जो अपनी नजर पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत बहुत ज्यादा फैली हुई होगी यानी मोमिन सारे नेक काम करने के बाद अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने के बाद और बंदों के हुकूक अदा करने के बाद सिला रहमी करने के बाद भी डरते रहते हैं क्योंकि आखिरत का दिन कोई मामूली दिन नहीं वो हिसाब किताब का दिन है और उसमें इंसानों की हालत गैर होगी इसलिए वो डरते हैं कि कहीं हम से ज्यादा हिसाब ना लिया जाए क्यूँकि जिससे पूछ लिया गया उसके पास तो कोई जवाब नहीं हो सकता फिर और जहाँ तक सिला रहमी का ताल्लुक है जो कि आज की हमारी गुफ्तू का मौजू है तो सिला रहमी जो है सिला से है सिला कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना हती के वो इससे चिब जाए और इसकी जिद जो है है यानी छोड़ देना इब्न मंज़ूर ने हुएवी और असला मानों के दरमियान ताल्लुक को वाजे करते हुए कहा कि ये एक किनाया है उन रिश्तेदारों पर एहसान करने के बारे में जो नसबी और ससुराली हो नसबी जो माँ बाप की तरफ से हो और ससुराली जो सास ससुर के रिश्ते में से रिश्तेदार बने उन पर शफकत करना और उनके साथ नरमी से पेश आना और उनके अहवाल की रियायत करना खा वो दूर के रिश्तेदार हो या वो बदसलूकी करते हो यानी सला रहमी में सिर्फ माँ की तरफ के रिश्तेदार शामिल नहीं है क्योंकि रहम से ताल्लुक जोड़ा जाता है इसका तो फिर सिर्फ समझा जाता है शायद माँ ही के तरफ से जो रिश्तेदार है नहीं इसमें बाप की तरफ से भी हसब नसब जो भी इंसान का है और फिर सिर्फ वालदेन ही नहीं बल्कि ससुराल भी यानी मेका ही नहीं So, ससुराल के नाते से भी जो रिश्ते बनते हैं वो भी शामिल है और फिर इसमें दूर के रिश्तेदार भी शामिल है और करीब के भी शामिल है और वो भी शामिल है जो हमसे अच्छा सलूक करते हैं और वो भी शामिल है जो हमसे अच्छा सलूक न करे तो सिला रहमी के बरक्स एक लफ्स इस्तेमाल होता रहमी और वो इन तमाम चीजों के बरक्स को कहते हैं गोया जब वो उन पर एहसान करता है तो अपने और उनके दरमियान खराबदारी और ससुराली रिश्तेदारी और जायज सिले और अतिये को मिलाता है और कतारहमी में काटता है रहमी की एक और जामे तारीफ यू की गई है कि सिला रहमी का मतलब यह है कि जितना हो सके रिश्तेदारों को खैर पहुँचाई जाए और हस ताकत जितना हो सके उनसे शर को दूर किया जाए यानी सिला का लफ्ज चूंकि अरबी का लफ्ज है तो आमतौर पर लोग समझते नहीं की फिर करना क्या है तो करने में यह है की अपने और ससुराली रिश्तेदारों को जो भी खैर पहुँचा सकते हो जो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हे दिया है वो उन तक और उन्हें अगर कोई तकलीफ आ गई तो उस तकलीफ को उनसे दूर करो ये रिश्तेदारों पर इस अंदाज में एहसान करना है कि वो सिला रहमी करने वाले के और जिसके साथ सिला रहमी की जा रही है उसके हालात के मुनासिब हो कभी ये माल के जरिए होती है कभी खिदमत करने से कभी सिर्फ मुलाकात और सलाम करने से होती है इब्ने कैम कहते हैं कि सिला रहमी ये नहीं कि रिश्तेदारों को इस हाल में छोड़ दिया जाए कि वो भूख और प्यास और बरहनगी से तबाह हो रहे हो और उनका रिश्तेदार बहुत ज्यादा मालदार हो और सिला रहमी वाजिब है हाँ रिश्तेदार काफिर ही क्यों ना हो और उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक ना हो फिर भी उसके साथ सिला रहमी करनी चाहिए यानी अगर सिला रहमी करने वाला दीन से ताल्लुक रखता है और ना करने वाला दीन से ताल्लुक नहीं रखता फिर भी सिला रहमी करो इसी तरह ये भी कहा गया है कि फवायद का तबादला करना यानी एक दूसरे को सिर्फ फायदा पहुंचाना ही सिला रहमी नहीं ये कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे रहमी करे तो तुम भी उनके रहमी करो और अगर वो तुमसे दूर चले जाए तो तुम भी दूर चले जाओ ये सिला रहमी की सिफत नहीं ये तो एक दूसरे को बदला देना है ये तो आपने बदला दिया किसी ने आपसे अच्छा किया आपने बदले में अच्छा कर दिया यानी ये तो फवाद का तबादला हो गया लेकिन सिला रही का मामला इन तमाम चीजों से बुलंद है अब्दुल्ला इब रजी कहते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया किसी काम का बदला देना सिला रही करना नहीं बल्कि सिला रहमी करने वाला वो शख्स है कि जब उसके साथ सिला रहमी वाला मामला खत्म कर दिया जाए वो फिर भी सिला रहमी करे सुलेमान बिन मूसा कहते हैं इब्ने इबन से कहा गया कि रिश्तेदारों का क्या हक है उन्होंने कहा अगर रिश्तेदार आपकी तरफ आए तो उनका इस्तकबाल किया जाए वेलकम किया जाए और अगर वो पीठ फेर के जाए तो उनके पीछे जाया जाए ये नहीं कहना चाहिए कि तुम रूठे हम छूटे बल्कि अगर वो रूठ भी जाए तो उन्हें मनाया जाए कुर्तबी कहते हैं कि सिला रहमी की दो किस्में होती हैं यानी वो रिश्तेदारी जिसको मिलाया जाता है नंबर एक ये आम होती है और नंबर दो ये खास होती है आम सिला रहमी जो है ये दीन पर बबनी है यानी किसी साहब ईमान के साथ ताल्लुक होना जरूरी नहीं की वो रिश्तेदारी हो क्योंकि हम सब आदम की औलाद है और आदम की औलाद होने की हैसियत से हम किसी न किसी जगह जाकर जरूर रिश्ते में मिल जाते हैं हम किसी न किसी दर्जे पर सब एक दूसरे के रिश्तेदार ही है क्योंकि हम आदम की औलाद है तो आम रिश्तेदारी रहमी क्या है कि इंसान किसी भी इंसान के साथ उसने सलूक करे चाहे वो खून का रिश्ता हो या ससुराल का हो या ना हो यानी किसी ईमान के साथ ताल्लुक होना बस उसको बाहमी मोहब्बत और खैर खाही और वाजिब और, और, और मुस्तक हकूक वजाले के साथ मिलाना वाजिब और खास सिला ये है की आप इन तमाम चीजों के साथ खर्च को बढ़ा दे और उनके हालात की खबरगीरी करते रहे और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे खास रहमी क्या है कि जो आप उनको दे रहे हैं उसमें इजाफा करते रहे अगर अल्लाह ने आपको ज्यादा दिया तो आप भी उनको आगे आगे ज्यादा देते रहे और उनके हालात की खबरगीरी करते रहे कि वो किस साल में है और उनकी गलतियों को माफ करते रहे कितना खूबसूरत है रहमी का ये अंदाज पुराने मजिद में कई एक मकाम पर सिलाि की तलकीन की गई है सूरत अलबकर में बनी इसराइल को हुक्म दिया गया सिर्फ हमें नहीं ये हुक्म बल्कि पिछली शरीयों में भी ये हुक्म दिया गया था वह इज अख ना मिसाक बनी इसरा लताबू नई तुम अल्लाम और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम की तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करोगे और माँ बाप और कराबत वाले और यतीमो और मस्किनों से एहसान करोगे और लोगों से अच्छी बात कहो नमाज कायम करो और जक़ात दो फिर तुम इससे फिर गए मगर तुम में से थोड़े और तुम मुँह फेरने वाले हो और ये सिर्फ बनी इसराइल का हाल नहीं आज उम्मत मुसलिमा का भी यही हाल है कि हमें अमूमी तौर पर लोगों के दरमियान ताल्लुक ख़राब नजर आते हैं रिश्ते कमजोर नज़र आते हैं और दूसरों के साथ एहसान और भलाई के रवैये बहुत कम देखने में मिलते हैं अगर तमाम इंसान जिनको अल्लाह ने दिया है वो देने वाले बन जाए और अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने वाले हों तो दुनिया में शायद ना कोई भूखा हो और ना ही कोई जरूरतमंद इस तरह का हो कि वो घुट घुट के और सिसक सिसक के इलाज के लिए भर जाए या किसी और जरूरत के लिए दिन रात परेशान रहता हो इसी तरह सूरत में भी हुकम दिया गया विकुबी शैया व बिल वाल एहसाना विल कुरबा वल वल मसाकिनी वल जारबा वल जारूबी व साहब बिल जम भी वो बिनसबीली वो मामला का तईमानकुम इन अल्लाह ला मनकान मुख्तूरा और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाओ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और करावत वालों के साथ और यतीमों और और करावत वाले हमसाये और अजनबी हमसाये और पहलू के साथ ही और मुसाफिर के साथ और उनके साथ भी जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ बने हैं यकीनन अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला शेखी मारने वाला हो तो बहरहाल तमाम इंसानों से अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है लेकिन रिश्तेदार बाकी सब की नस्बत ज्यादा हकदार होते हैं सूरत अरफाल में आता है वह इन अल्लाह बिकलिस अलीम और रिश्तेदार अल्लाह की किताब में एक दूसरे के ज्यादा हकदार है बेश अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है ईमान लाने के बाद अल्लाह को जो महबूब तरीन अमल है उसे ले रही है खफाम कबीला के एक आदमी से रिवायत है वो कहते है कि हैं कि मैं नबी आया, जबकि आप अपने सहाबा के पास बैठे हुए थे मैंने कहा आप हैं जो यकीन रखते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं आपने फरमाया हाँ मैंने कहा अल्लाह के रसूल कौन से अमाल अल्लाह को ज्यादा महबूब है आपने फरमाया अल्लाह पर ईमान मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल आपने फरमाया सिला रहमी मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल आपने फरमाया नेकी का हुम देना और बुराई से रोकना मैंने कहा है अल्लाह के रसूल कौन से अमान अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है आपने फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल आपने फरमाया यानी रिश्ते काटना लोगों से ताल्लुक काट लेना मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा अमल आपने फरमाया बुराई का हुक्म देना और नेकी से रोकना इसी तरह दर्जे के लिहाज से बदतरीन है वो लोग के जो लोगों का हक न पहचाने सिला रहमी ना करें अबू अब्शा अमारी से रिवायत है वो कहते हैं कि मैंने रसूल दुनिया चार किस्म के लोगों की है एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल और इल्म से नवाजा हो वो इस बारे में अपने अल्लाह जल्लाह का हक पहचानता हो उसका दर्जा सबसे ऊँचा है दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह जला ने इम फरमाया हो लेकिन माल न दिया हो और वो कहता हो की अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं भी उस शख्स की तरह अमल करता आपने फरमाई ये दोनों अजर सबाब में बराबर यानी जो अच्छी नीयत रखता है वो अच्छा काम करने वाले के हो जाता है। तीसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल से तो नवाजा हो लेकिन इल्म न दिया हो वो बदहवासी में उसे हक मकाम पर खर्च करता रहे ना अपने रब से डरे न सिलाहमी करे न अपने रब अजब अजल्ला का हक पहचाने उसका दर्जा सबसे बदतरीन है चौथा वो आदमी जिसे अल्लाह ने न माल से नवाजा न इल से और ये कहता हो की अगर मेरे पास भी फुला शख्स की तरह माल होता तो मैं भी उस शख्स के तरह के कामों में खर्च करता ये दोनों गुनाह में बराबर है अगर किसी बुरी मिसाल को अपने सामने रखता है तो फिर उसी दर्जे में आ जाता है तो बदतरीन इंसान किसको कहा गया जो ना रब से डरे ना सिला रहमी करे ना रब का हक पहचाने की कि मुझे किस तरह की इबादत और कैसे करनी चाहिए और जो शख्स इसको आइडियल बना ले वो भी उसके साथ ही है फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन देकर भेजा गया जो तालीमात दे भेजी गई उनमें हमें सिला रहमी का खास हिस्सा मिलता है अमरबन अबसा कहते हैं मैं मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पूछा आप कौन हैं आपने फरमाया मैं नबी हूँ मैंने पूछा नबी क्या होता है आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने भेजा है मैंने कहा आपको क्या पैगाम देकर भेजा है आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे सिला रहमी करने बुतों को तोड़ने अल्लाह को एक करार देने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का पैगाम देकर भेजा है इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का ताकीदी हुक्म भी दिया अब रज कहते हैं मेरे खलील ने मुझे सात बातों का हुक्म दिया है ये कि मैं से ताल्लुक कायम रखो अगरचे अगरचे अच्छा सलूक ना करे फिर भी उससे रिश्ता जोड़ के रखो इसी तरह और जगह पर फरमाए इत वरह मकुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सिला रहमी करो यहाँ आप देख रहे हैं की मतदाद बार ये बात मिलती है की अल्लाह से डरो और सिला रहमी करो या अल्लाह से डरते हैं और सिला रहमी करते हैं तो हकीकत यह है की जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही रिश्तों को निभा सकते हैं क्योंकि जिन करीबी लोगों के साथ इंसान रहता है या उनके दरमियान में रहता है तो उनसे बहुत दफा इख्तलाफ भी होता है बहुत दफा उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बदमजगी हो, है, हो जाती है बदगुमानियां हो जाती हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो इंसान फिर अपने दिल में ग्रज पाल लेता है बुग्ज रख लेता है तो उससे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान के ऊपर अल्लाह का डर हो क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वही रिश्तों को निभा सकता है अगर अल्लाह से ना डरा जाए इंसान अगर अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चलने लगे तो फिर इंसान के हालात में बेहतरी नहीं आ सकती हजरत अनस रजी अल्लाह से वर भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के अयाम में फरमाया तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार यानी रहम के रिश्तों को तोड़ने से बचो सिला रहमी करने का जब हुक्म मिलता है और इतनी ताक़द मिलती है तो बाजू का हम ये सोचने लगते है कि शायद इससे मुराद दूसरों को फायदा पहुंचाना है या दूसरों का फायदा है लेकिन हकीकत यह है कि ये इंसान के अपने हक में बहुत फायदा मंद है जो इंसान जोड़ने वाला होता है जो इंसान देने वाला होता है वो ही पाने वाला होता है उसी को खैर मिलती है तो सिला सिलाी जो है आपस में मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है इब्ने उमर कहते हैं जो अपने रब का तकवा करे और सिला रहमी करे उसकी मौत में तखिर कर दी जातीम लंबी मिलती है उसको और उसके माल में इजाफा कर दिया जाता है और उसके घर वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं अब ये वो चीजें हैं जो हम सब की ख्वाहिश और तमन्ना है कि हमें लंबी जिंदगी मिले माल ज्यादा मिले घर वालों की मोहब्बत मिले शोहर की मोहब्बत मिले बच्चों की मोहब्बत मिले तो इसके लिए इंसान को अपने नफ्स के खिलाफ जाकर ऐसे लोगों के साथ एहसान करने की जरूरत है कि जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते जो हमसे दूर भागते हैं जो हमारा ख्याल नहीं रखते जो हमें नहीं पूछते हमारी मुश्किलात में उनके साथ फिर एहसान किया जाए अच्छा सलूक किया जाए हजरत अनस कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह फरमाया, जिस शख्स को पसंद हो कि उसके रिस्क में बुस्सत हो या उसकी उम्र दराज हो तो उसे चाहिए कि वो सिला करे मालिक से रिवायत है जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र में बरकत और रिस्क में इजाफा हो जाए उसे चाहिए कि अपने वाले के साथ नी करे और सिलाी किया करे रसोल्ला फरमाया जिस नेकी का बहुत जल्द अजर मिल जाता है जल्दी सिला मिलता है वो सिलामी है यानी कुछ नेकी आप करते हैं तो उनका बदला आपको आखिरत में मिलेगा कुछ नेकी आप ऐसे करते हैं उनका सिला आपको दुनिया भी में भी मिलता है आखिरत में भी मिलता है तो जिस नेकी का बदला इंसान को जल्द यानी दुनिया में भी मिल जाता है वो क्या है सिला रहमी यहाँ तक के कुछ घरानों के लोग फाजिर और फासिक होते हैं यानी दीन में नहीं होते लेकिन वो सिला रहमी करते हैं तो उनके माल बढ़ जाते हैं और उनके अफराद की कसरत हो जाती यानी खानदान भी बढ़ जाता है और माल भी बढ़ जाता है इसी तरह एक और रिवायत में आता है कहते है कि हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें बरहक है नंबर एक जिस बंदे पर जुल्म हो और वो अल्लाह की खातिर उस पर खामोशी इख्तियार कर ले अल्लाह अपनी मदद के जरिए उसकी इज्जत में इजाफा करता है नंबर दो जो आदमी सैला रहमी के लिए जुदोस का दरवाजा खोलता है तो अल्लाह उसके माल में इतना ही इजाफा कर देता है यानी कम नहीं होने देता उसके बाल और जो आदमी अपने ऊपर मांगने का दरवाजा खोलता है ताकि अपना माल बढ़ा ले, तो अल्लाह उसकी में और इजाफा कर देता है और फिर यह भी है कि रिश्तेदार आदमी को सदका देना सिर्फ सदका है जबकि कराबदार को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी है दोहरा अजर है अमर अबिन दीनार कहते हैं जान लो के फर्ज नमाज अदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बाद रिश्तेदारी को मिलाया जाने वाला कदम अजर में सबसे ज्यादा बड़ा है यानी नवाज के लिए उठते हो और आगे जाते हो तो इसी तरह अगर किसी रिश्तेदार के लिए उठ के उसको वेलकम करते हो या उसकी खिदमत के लिए जाते हो या उसकी खैर खबर करते हो तो ये कदम अल्लाह सुबहान तला को पसंद है और अजर में बहुत बड़ा है टीबी कहते हैं कि अल्लाह दुनिया में रिश्तेदारी मिलाने वाले के असर को लंबी देर तक बाकी रखता है तो वो जल्दी कमजोर नहीं पड़ता जैसे कि रिश्तेदारी काटने वाले के असरात कमजोर पड़ जाते हैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जो रिश्ते काटे रहमी दुनिया में में भी भी काम काम आती है और आएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिलायत को जब उसकी कबर में रखा जाता है तो वो उनके पलट जाने के वक्त उनके जूतों की आवाज़ सुनती है सो अगर वो वोमिन होता है तो नमाज उसके सराहने होती है रोजा उसकी दाई तरफ होता है जक़ात उसकी बाई तरफ होती है और दीगर नेक काम सदका सिला रहमी नेकी और लोगों से अच्छाई उसके दोनों पाओ के पास होते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि कब्र में अगर अजाब आने लगे तो रहमी जो है वो प्रोटेक्शन का काम देती है और वो कहते हैं कि मेरी तरफ आने का कोई रास्ता नहीं है फिर इसी तरह आखिरत में भी जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद किसी भी दर्जे में ईमान के साथ उनके पीछे चली तो अल्लाह हैं हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनसे उनके अमल में कुछ कमी ना करेंगे हर आदमी उसके जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है हर आदमी जो उसने कमाया उसके एवज गिरवी रखा हुआ है यानी उसकी जान नहीं छूट सकती जब तक के वो अपनी जान का कोई तावान न दे दे इसी तरह ये कि सिला रहमी जन्नत में ले जाने वाला अमल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तालीम जो मदीना वालों को दी थी वो क्या थी कि सलाम फैलाओ अच्छी गुफ्तगु करो सिला रहमी करो और रातों को जब लोग सो रहे हो तो तुम कयाम करो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे इसके बरक्ष जो दूसरा रवैया होता है जिसमे इंसान रिश्तेदारों को पूछता भी नहीं है उनकी खैर खरीय में नहीं लेता वो है रिश्तों को काटना सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह के अहद को उसके मजबूत बांध देने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज का अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको काट डालते हैं और जमीन में फसाद करते हैं यही लोग दरअसल खसारा पाने वाले है याद रखिये रिश्तों को काटना अल्लाह की लानत का मुस्तक बनाता है इंसानों इंसानो वल्लिनयून आहदल ही और वो लोग पुख्ता करने के बाद जिसके मुतिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए और जमीन में फसाद करते हैं यही लोग है जिनके लिए लानत है और उन्ही के लिए इस घर की खराबी है मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा रिश्तेदारी तोड़ने वाले का साथी ना बन उससे दोस्ती ना कर क्योंकि अल्लाह से बहानो ने कुरान की दो आयात में ऐसे शख्स में लानत फरमाई है तो जो शख्स लानत का मुस्तक हो उससे ताल्लुक ना रखो क्योंकि वो तुम्हारी तरफ भी आ जाएगी जिसने रिश्तों को तोड़ा अल्लाह उसको तोड़ेगा और जिसने रिश्तों को मिलाया अल्लाह उसको मिला देगा इसी तरह रहमी आमाल की कबूलियत के रास्ते में रुकावट बनती है अब वैरा रज से रिवायत है वो कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लम को फरमाते हुए सुना यकीनन बनी आदम के अहाल हर जुमरात को पेश किए जाते हैं और किसी रहमी करने वाले के अमल को कबूल नहीं किया जाता यानी जो रिश्तों को काटता है उसके बाकी भी कबूल नहीं होते तो आप देखिए कितना खसारे का सौता है नाराजगी हो जाती है एक दूसरे से ताल्लुक खराब हो जाते हैं लेकिन इंसान को माफ करके फिर दूसरे के साथ उसने सलूक करते रहना चाहिए इसी में इंसान की भलाई है कत रहमी दुनियावी तंगी का बायस भी बनती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रहमी की या झूठी कसम उठाई वो मरने से पहले उसका बबाल देख लेगा दुनिया में ही मिलने वाली सजा है इसकी यानी ये ऐसा गुना है जिसकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है इंसान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई गुना इस लायक नहीं है कि अल्लाह उसके करने वाले को जल्दी दुनिया में सजा दे दे और उसके साथ साथ आखिरत में भी उस सजा को जमा रखे सिवाय कत रहमी के खयानत के और झूठ के ये ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से दुनिया में भी इंसान पर मुसीबतें आती हैं और रिश्तेदारों के साथ अगर इंसान जुल्म करने वाला हो तो वो गुनाह वैसे ही माफ नहीं होगा आम लोगों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए तीन दिन से ज्यादा किसी के साथ नाराजगी नहीं होनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि तीन दिन से ज्यादा अपने किसी मुसलमान भाई से ऐसी ताल्लुक रखे अगर दोनों ही तीन दिन से ज्यादा कथा कलामी किए रहे तो जब तक वो इस हाल पर रहेंगे हक से दूर रहेंगे जो पहले रुजू कर लेगा उसका ये पहल करना उसके लिए कफारा बन जाएगा अगर उसने दूसरे को सलाम किया लेकिन उसने जवाब न दिया तो सलाम करने वाले को फरिश्ते जवाब देंगे और रद्द करने वाले को शैतान अगर वो दोनों ताल्लुकी की हालत में मर गए तो जन्नत में इकट्ठे कभी ना हो सकेंगे इसी तरह एक साल तक एक रहमी किए रखना दूसरे को कत्ल करने के बराबर है रसूल फरमाया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से जायद छोड़े रखे यानी नाराज होकर वैसे तो इंसान अब जैसे आज कल लॉकडाउन है तो सब अपने अपने घरों में है और सबको इंसान जिन जिन को जानता है सबको फोन मैसेज भी नहीं कर सकता क्योंकि रमज़ान के दिन है अगर हम मसरूफ होते हैं तो दूसरे भी मसरूफ़ होते हैं इबादत के दिन है लेकिन उनके लिए दुआएं हम करते हैं दुआ में वो याद रहते हैं तो इस तरह कतः रहमी नहीं होती कतः ताल्लुकी नहीं होती लेकिन यह है कि इंसान के लिए नाराज होकर किसी से सलाम दुआ छोड़ देना ये दुरुस्त नहीं ये कतः रहमी होती है रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज्यादा छोड़े रखे बस जिसने तीन दिन से जायद छोड़ दिया और इसी हालत में मर गया तो वो आग में जाएगा कुरबी क्यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हर तरफ बेहयाई आम न हो जाए कतारहमी और बुरा पड़ोस आम न हो जाए और जब तक खायन को अमीन और अमीन को खायन न सुनने जाने लगे यानी वैल्यूज यू उलट जाएंगे इसी तरह आपने फरमाया क्यामत के करीब सलाम सिर्फ पहचान के लोगों को किया जाने लगेगा जिसको जानते होंगे सिर्फ उसी से सलाम दुआ तजारत फैल जाएगी हती की औरत भी तजारती मामला में अपने खाविद की मदद करेगी कत रहमी होने लगेगी लोगों के टेम्पराम बड़े नाजुक हो जाएंगे छोटी छोटी बात पर मुंह बसोर लेना बातचीत छोड़ देना घर से निकल जाना औरों को जाके किसाना ये इस सब इसी के हिस्से है और फरमाया झूठी गवाही दी जाने लगेगी सच्ची गवाही को छुपाया जाएगा और कलम का चर्चा होगा पहले लिखने वाले बहुत होंगे, गए चीजें हम फार्ड तो बहुत करते रहते हैं तो पढ़ने वाले और अवल करने वाले कम होंगे फिर तो ये जन्नत से महरूम करने वाला फेल भी है रबी सतमी करने वाला जन्नत पे दाखिल ना होगा अब यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए की सलामी के कुछ दर्जे हैं और वो रिश्तेदारी के अतबार से है यानि रहमी इंसान की कुदरत रिश्तेदारों की जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ भी होगी बाज रहमी वाजिब होती है बाज मुस्तहब होती है और अगर इसमें से कोई शख्स कुछ भी सैला रहमी करे लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर बहुत ज्यादा अदा न करे तो उसको खतर रहमी करने वाला नहीं कहा जाएगा फिर ये उसूल भी याद रखिए कि जो जितना करीबी हो उसके साथ रहमी को मुकदम रखा जाए मसलन सबसे पहले माँ आप फरमाया था ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ मा, तो सबसे पहले माँ के साथ सैला रहमी फिर बाप फिर औलाद फिर दादा दादी नाना नानी फिर भाई बहनों को फिर बाकी के सारे बहन रिश्तेदार जैसे चचा पोपी मामू खालन और जो जितना गरीबी है उसको उतना ही मुकदम रखा जाए प्रायरिटी दी जाए इसी तरह वाल्दायन की तरफ के रिश्तेदारों को बाकी रिश्तेदारों पर मुकदम समझा जाए फिर तो रहम के रिश्तेदारों में से गैर महरम के साथ नेकी की जाए जैसे चचा का बेटा और बेटी मामू और खाला के बच्चे फिर दीगर ससुराली रिश्तेदार फिर आप देखिए सिर्फ वाले ने ही के दोस्तों के साथ भी सलारहमी करनी चाहिए क्योंकि वालदेन का हक तो है लेकिन जिनके साथ माँ बाप अच्छा सलूक करते हूँ या उनसे दोस्ती हो उनकी उनका भी हाल हवाल पूछते रहना चाहिए इब्न उमर से रिवायत है कि जब वो मक्का की तरफ जाते तो अपने गधे को साथ रखते ऊंट की सवारी से थक जाते तो गधे पे बैठ जाते और सर पे अवामा बांध लेते एक दफा आप अपने गधे पर सवार थे उनके पास से एक देहाती आदमी गुजरा तो इब्न उमर ने उससे पूछा क्या तुम फला के बेटे नहीं हो उसने कहा क्यों नहीं उन्होंने इब्न उमर ने अपना गधा उसको दे दिया कि इस पे सवार हो जाओ फिर अवामा दे दिया कि अपने सर पे बांध दो तो बाद गदा भी करते ने कहा, मैंने से सुना, आप फरमाते थे बेशक नेकियों में सबसे बड़ी नेकी आदमी का अपने बाप की वफात के बाद उसके दोस्तों से अच्छा सलूक करना है और इस देहाती का बाप हजरत उमर का दोस्त था अब इसमें इसी तरह यह है कि जैसे आपके पास माल हो और आपने माल तकसीम करना हो तो फिर देने में जो करीबी रिश्तेदार होंगे उनका हक ज्यादा होगा जो दूर होते जाएंगे वो उसी एतबार से कम हो जाएंगे अत अब अबी रबाह कहते हैं वो दिरहम जो मैं रिश्तेदारों को दू मुझे उस हजार दिरहम से ज्यादा महबूब है जो मैं मोहताज लोगों में तकसीम करूँ यानी अगर रिश्तेदार जरूरतमंद है तो पहले उनको दिया जाए फिर इसी तरह नॉन मुस्लिम रिश्तेदार के साथ भी सलाहमी करनी चाहिए हजरत उमर रजी ने एक दफ़ा एक, एक रेशमी डुब्बा जो खरीदा गया था नबीम के लिए तो आपने उसको पसंद नहीं क्योंकि वो रेशमी था तो हजरत उम्र ने वो अपने मक्के में एक भाई को भेज दिया जो मुसलमान नहीं था तुम्हारा तो हर करीबी और दूर वाले रिश्ते के साथ सिलाी करनी चाहिए इबन अब्बास कहते हैं कि अपने हसब नसब याद रखो रिश्ते याद रखो जिनके साथ तुम सिलाहमी कर सको खासतौर पर जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वो बैक होम अपने जो रिश्तेदार हैं बहन भाई हैं उनके बच्चे हैं मामू पुप्पी वगैरह इन सब का तारुफ अपने बच्चों को जरूर करवाए कि कौन क्या है इबन अब्बास कहते हैं अपने हसब नसब याद रखो ताकि तुम सिला रहमी कर सको अगर रिश्ते ही याद नहीं होंगे तो रिश्तेदारी कहाँ से दबाई जाएगी फिर फरमाया अगर रिश्तेदारों को सिला रहमी के साथ करीब किया जाए तो वो दूर नहीं होते अगर चाहे वो दूर हो और रिश्तेदार को जब दूर कर दिया जाए तो वो करीब नहीं होते अगर चाहे वो करीब ही क्यों ना हो और हर रिश्तेदारी क्यामत के दिन अपने साथी के सामने आएगी और वो उसके हक में रिश्तेदारी मिलाने की गवाही देगी अगर उसने उसको जोड़ा होगा और उसके खिलाफ काटने की गवाही देगी अगर उसने उसको काटा होगा अब करने के काम क्या क्या है सबसे पहली बात यह है रिश्तेदारों से मुलाकात की जाए लेकिन इस तरह मुलाकातें ना शुरू कर दे कि जिससे दूसरे के काम काज जो है उनमें हराज जाए रिश्तेदारों से मुलाकात जो है ये बरकत का जरिया होती है इबनतीन कहते हैं कि सिला रही की वजह से एतात के कामों की तोफीक मिलती है और नेकियों का मौका मिलता है नाफरमानी से बचता है इंसान फिर इंसान का अच्छा जिक्र बाकी रहता है गोया को उसे मौत नहीं आई मरने के बाद भी वो याद रहता है जिनके साथ वो अच्छा सलूक करता था वो उसको याद रखते हैं तो पहली चीज क्या है मुलाकात करना कि खुद मिलने चले जाए दूसरी है वो आए तो मेहमान नवाजी करना फिर तीसरा ये कि उनकी खबर रखना खबरगिरी करना उनके बारे में पूछते रहना उनको सलाम कहना खा फोन करके या किसी के जरिए सलाम भेज के या कोई मैसेज करके चौथी चीज है उनको अपना माल दे अगर रिश्तेदार मोहताज है तो सदके की सूरत में दे अगर मोहताज नहीं तो तोहफे की शक्ल में दे क्योंकि दुगना अजर है नंबर पांच उनके बड़ों की इज्जत करे और उनके कमजोरों पर शफकत करे नंबर छह उनके मरतबे के एतबार से उनको मकाम दे यानी जो उम्र में बड़े हैं जो किसी मकाम में बड़े हैं उस एतबार से उनका ख्याल रखें यानी उस मकाम पर उनको उतारें जिसके वो हकदार हैं अगर अल्लाह ने उनको बुलंद मकाम दिया दुनिया में तो आप भी उसको पहचानें ये नहीं कि हसद की वजह से इंसान कहे कि जो आगे निकल गया दुनिया में के उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर दे या उसको हकीर करना शुरू कर दे लोगों के सामने नंबर सेवन उनकी खुशियों में उनको मुबारकबाद पेश करते हुए शिरकत करें और उनके गमों में उनके साथ गमखारी करते हुए गमगुसारी करें बस शादी हुई है औलाद हुई है मुलाजमत मिली है या कोई और इस तरह के काम है जो उनको खुश कर रहे हैं तो उनकी खुशी में शरीक हो जाएं। इसी तरह अगर उनका कोई फौत हो गया या नुकसान हो गया तो सब्र की नसीहत करें उनके गम को हल्का करने की कोशिश करें नंबर आठ बीमार हो तो करें नंबर दो जनाजे में पीछे जाएं नंबर दस उनकी दावत कबूल करें का दिलों में कुछ नाराजगिया होती हैं वो बुलाते भी हैं तो नहीं जाते ये कत रहमी है नंबर अलवन उनके बारे में अपने सीनों को साफ कर लें बोझ न छुपाए कहा गया कि ऐसा शख्स कौम का सरदार नहीं हो सकता जो अपने दिल में कीना रखता हो नंबर बारह उनके कटे हुए लोगों में सुलह कराए आपस में तो रिश्तेदार कटे हुए तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करें नंबर तेरह उनके लिए दुआ करें और ये तो सभी कर सकते हैं और हर एक को जरूरत भी है इसकी और नंबर चौदह उनको मुनासिब तरीके से हिदायत की तरफ दावत दें नेकी का हुकम दे ने बुराई से रोके यानी दीन की तरफ भी उनको बुलाए और हमें ये दुआ जरूर करनी चाहिए अल्लाह बइना वह दिना सब्सलम व ना बिना ुमात नूर वह जन्फवाह शाकिना बिहाबिली वहाना हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर देने हमारे रिश्तों में ताल्लुका में और हमारे आपस के मामला की इसलाह कर दे और हमें सलामती के रास्तों की तरफ रहनुमाई फरमा दे और हमें अंधेरों से निजात देकर नूर की तरफ ले आ और हमें तमाम जाहरी और छुपी बदकारियों से महफूज रख और हमारे कानों और हमारी आंखों और हमारे दिलों और हमारे घर वालों और हमारी औलाद में बरकत अता फरमा और हमारी तोबा कबूल फरमा बेशक तो बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है और हमें अपनी नियमतों का शिक्र करने वाला बना दे और उनकी तारीफ करने वाला और उनको कबूल करने वाला बना दे और इन नेमतों को हम पर काबिल फरमा दे मुकम्मल कर दे तो बहरहाल रिश्तेदारों को सलाम भेजिए, मैसेज भेजिए। आज के इस लेक्चर सुनने के बाद कुछ न कुछ अमल जरूर कीजिए जो करीब हो उनको तोहफे तहय दीजिए कोई अतियात दीजिए क्योंकि इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है उनकी जरूरियात पूरी कीजिए अगर कोई जरूरतमंद है मकरूज हो गए हैं तो कर्जा अदा कर दीजिए भूके हैं तो खाना खिला दीजिए और अगर उन्होंने आपके साथ कोई बुरा सलूक किया तो माफ कर दीजिए अच्छे अखलाक से पेश आई जो काटे दूर भागे उन्हें करीब कीजिए अल्लाह की खातिर मुलाकात के लिए जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दीन की तबलीग अपने रिश्तेदारों को की थी लिहाजा उन्हें दीनी पैगाम किसी न किसी तरह दीजिए कोई किताब कोई लेक्चर कोई बुक मार्क कोई ऐसी चीज जिसपे कोई अच्छा मैसेज हो बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक यानी सिला रहमी सिर्फ बड़ों से नहीं होती बच्चों के साथ भी हो और अगर कभी कसम खा लियो कि मैं फ के साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगा उस कसम को तोड़कर कफारा दे, दे। और ऐसी करें जो इंसान को हक बात से रोक ना तो साथ तो देना है ना चाहे वो गलतियाँ हमारे है, रिश्तेदार हैं ऐसा नहीं कर सकते वह इजाकुल करो, तो करो खा रिश्तेदारी क्यों ना हो वह आखिर सुबह अशद्ला हम अवल की तो السلام عليكم ورحمه الله وبركاته